सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 8वां धीरे बोलो ये पाठ पढ़ेंगे। पाठ से पहले कुछ पूर्व ज्ञान के बारे में अपन देख लेते हैं कि धीरे बोलो का अर्थ होता है थोड़ा सा धीरे बोलना, मीठा बोलना, सच्चा बोलना, कम बोलना, ये सब सब बातें सबको पसंद आती है। अच्छा, कोई जोर से बोलेगा तो अपने को कितना गंदा लगता है, या कोई अपने को गंद भला बुरा कहता है, या फिर अपने सामने कुछ अपने को दिल को अच्छा नहीं लगे वैसा बोलता तो अपने को गंदा लगता है, बुरा लगता है। कोई झूठ बोलता तो भी अच्छा नहीं लगता है, कोई जोर जोर से बोलता तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो धीरे से बोलता है, मीठा बोलता है, वही सबको पसंद आता है। तो इसमें यही बताया गया कि धीरे बोलना, सच्चा बोलना, अच्छा बोलना। इसके साथ साथ ही इसमें आगे क्या ये दे रखा है कि मीठा बोलने से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो जिस तरह कोयल है तो वो अच्छा मीठा बोलती है, सबको अच्छी लगती है, और कौवा काव काव करता तो किसी को प्यारा लगता है तो नहीं लगता है। तो इसी तरह से कोई अच्छा मीठा बोलता है तो सबको अच्छा लगता है, और कोई अपने दिल को ठेस पहुंचाता है वैसा बोलता तो वो उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। अब दूसरा, इसमें क्या मीठी बोली बोलकर शत्रु को भी अपना मित्र बनाया जा सकता है? तो हाँ, बनाया जा सकता है, क्योंकि शत्रु को कितना भी क्रोध आता है पर अपन उसका क्रोध से सामना न करके उसका मीठा बोलेंगे तो उसका क्रोध है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और वो अपना मित्र बन जाएगा। तो ये कविता है धीरे बोलो। ये कविता किसने लिखी है? रामेश्वर दयालु दुबे ने देश भर में हिंदी भाषा का खूब प्रचार प्रसार किया। इन्हें मित्र इन्हें हिंदी का सेवक कहा करते थे। हिंदी भाषा की सेवा के लिए इन्हें राष्ट्रपति द्वारा गीत लेखन सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आइए पढ़ते हैं इनकी कविता धीरे बोलो। तो ये कविता किसने लिखी है? रामेश्वर दयाल दुबे ने। ये ध्यान रखना आपको कि रामेश्वर दयाल दुबे की ये कविता है। इसमें देखिए, आप भी बोलना, पहले मैं पढ़ूंगी उसके बाद आपको भी इसका 2 से 3 बार इस कविता का वाचन करना है। कम बोलो, धीरे बोलो, सच बोलो, मीठा बोलो, बड़ बोला बन बोलते रहना, कुछ का कुछ कहते ही रहना अच्छा नहीं, कहो थोड़े में अच्छी यह आदत कम बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, सच बोलो, मीठा बोलो, बड़ बोला बन बोलते रहना, कुछ का कुछ कहते ही रहना अच्छा नहीं, कहो थोड़े में अच्छी यह आदत कम बोलो। अब इसमें बड़बोला बनते रहे, बड़बोला यानी कि बहुत सारा अधिक बोलना, तो वह और बड़बोला बनते रहना नहीं, बहुत सारा बोलते हैं तो उसमें कुछ का कुछ बोलते रहते हैं तो वह अच्छा नहीं है। थोड़ा बोलो पर अच्छा बोलो, यह है आपकी अच्छी आदत होगी, और जो बड़बोला रहता है यह आदत आपकी अच्छी नहीं रहेगी। ऊंचे स्वर में बोल रहे क्यों, सबको बहरा समझ रहे क्यों? अब कोई उतरेता है, सामने ही बैठा हुआ इंसान तो भी बहुत जोर जोर से बोलता है, तो क्या दूसरों को सबको बहरा समझ रखा है? क्यों ऊंचा बोलते हो? भले जनों का यह कहना है जब बोलो धीरे बोलो। अब जो भले जन रहते हैं, अच्छे मानुष रहते हैं, उनका कहना है कि पास में बैठो तो धीरे बोलो ना, तो धीरे बोलना ही अच्छा रहता है। झूठी बात सदा खुल जाती, सच्ची बात सभी को भाती, प्यार सभी का तुम पाओगे जब बोलो तुम सच ही बोलो। अब हमेशा सच बोलने का भी कहा गया है कि तुम झूठी बात अगर बोलोगे तो वह कभी ना कभी तो खुलकर सामने आएगी, इसलिए हमेशा सत्य वचन ही बोलना। अगर सत्य वचन बोलोगे सभी का तुम प्यार पाओगे, और जब भी बोलो तुम सच ही बोलो। कड़ी बात सदा दुख देती, मीठी बात सदा सुख देती, कोयल भी तो यही सिखाती, जब बोलो मीठा ही बोलो। आप किसी को कड़वा कहते हैं तो वह सामने वाले को दुख देती है, और मीठा बोलने पर सभी को सबको आनंदित कर लेती हैं। तो इसलिए हमको कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। जैसे कोयल है वो भी यही हमें सीख देती है कि जब भी बोलो मीठा बोलो। तो इसमें हमको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, ये इस कविता से, कि हमें कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए। इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ है वो अपन कल पढ़ेंगे।